रीवा की राजनीतिक संरक्षण प्राप्त सरहंगों से पीड़ित एक दलित परिवार अपनी जमीन बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अतिक्रमणकारियों को सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी का संरक्षण प्राप्त है। पीड़ित अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए SDM कलेक्टर से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक की फरियाद लगा चुका है, लेकिन उन्हें न्याय मिलता दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल मामला सिमरिया तहसील के वीणा ग्राम पंचायत का है, जहां पीड़ित परिवार अपनी जमीन बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे परिवार ने बताया कि उनकी पटवारी हल्का बीड़ा के अतरौली में पैतृक जमीन है, जिस जमीन पर खड़ी फसल लगी है, लेकिन आधा सैकड़ा सरहंग उनकी जमीन पर कब्जा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। पीड़ित राजस्व विभाग के चक्कर लगा लगा कर थक गया। इसके बाद उन्हें अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजा गया है। अतिक्रमणकारियों को संरक्षण सिमरिया के विधायक KP त्रिपाठी ने दिया है। पीड़ित रामभान साकेत अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उसकी बेटी ने आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर आप स्वयं अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह से राजनीतिक संरक्षण में अवैध कार्य फल फूल रहे हैं और दलित परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कहने के लिए तो नेता इनके उद्धार की बात करते हुए सबरीजन उत्सव मनाते हैं, लेकिन उन्हीं के परिजनों के साथ किस तरह से शोषण कर रहे हैं, ये खबर देखकर आप अनुमान लगा लेंगे कि हकीकत क्या है। आज आप SP कार्यालय हैं, क्या सर? जन सुनवाई में गए थे तो वहाँ अपर कलेक्टर सर ने SP ऑफिस के लिए लिख के दिए हैं कि वहाँ जाके करवाइए। ना SP कलेक्टर में हो रहा है, ना DO कर रहे हैं सर। मेरा काम कहीं से नहीं हो रहा है। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। जो दबंग लोग हैं सर, 44-50 लोग हैं, तो मेरे पापा जी के खेत में पूरे खेत में झोपड़ी बना लिए हैं, और हम लोग जाते हैं तो मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और हमारे पूरे परिवार को जान का खतरा है सर। और कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जो दबंग लोग हैं उनकी तरफ से विधायक भी लगे हैं, KP त्रिपाठी सर, तो हम लोग की कहीं सुनवाई नहीं हो रही सर। तो इसलिए हम लोग मीडिया पत्रकार का की सहायता से हेल्प लेना चाहते हैं। हम लोग की सुनवाई हो नहीं तो हमारा पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा, वैसे भी जान की खतरा है। सर SP सर से मिलने आए तो सर बोलेंगे होगा होगा काम, ऐसे कह के और निपटा के भगा देते सर। कहीं से काम हो नहीं रहा है हम लोगों का सर। ये हम लोग 5-15-20 दिन से भटक रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो कि पहले न्याय हो चुका था, अब न्याय होने के बाद अब अन्याय हो रहा है सर। 26 तारीख। ये आपकी जमीन कहाँ पे है सर? ये मेरी बीड़ा में अतरैली गांव में पापा जी की जमीन है। बीड़ा मेरा गांव है, अतरैली में खेत है, वहीं अतरैली टोला के जो सर हैं, तो अतरैली टोला के वो दबंग लोग हैं, 40-50 लोग, वही हम लोग को परेशान करके रखे हैं। जान से मारने की भी धमकी देते हैं, मारपीट भी करते हैं सर हम लोग कुछ, और हमारी शासन भी सहायता नहीं कर रही सर। तो थाने में आपने उसकी सूचना दी थी? जी सर, थाने में दिए, चौकी में दिए, और यहाँ SP ऑफिस में भी आए हैं। अब पहले तो कलेक्टर ऑफिस गए, तो वहाँ से अपर कलेक्टर सर ने SP के लिए लिख के दिया, तो यहाँ बोले कि हो जाएगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा सर। हम लोग बहुत परेशान, अभी एक दिन और भी आए थे। मेरा नाम W साकेत है, पिताजी का नाम राम भजन साकेत है, मम्मी का मेरा नाम केसकली साकेत है। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।